सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्रद्धा मैत्री दया तुष्टि शांति पुष्टि क्रियोन्नति बुद्धिर्मेधा तृतिक्षा ही मूर्ति धर्मस्य पत्नयः। ये धर्म की पत्नियां हैं। धर्म की पहली पत्नी का नाम है श्रद्धा, अर्थात आपके अंदर अगर श्रद्धा होगी तभी आप धर्म कर सकते हैं। धर्म के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। धर्म की दूसरी पत्नी का नाम है मैत्री। जो धर्मात्मा होता है उसके हृदय में मैत्री भाव होता है, वो सबको अपना मित्र और सुहृद ही समझता है, उसकी किसी से शत्रुता नहीं होती। धर्म की तीसरी पत्नी का नाम है दया। जो धर्मात्मा होता है उसके हृदय में दया और करुणा होती है। धर्म की चौथी पत्नी का नाम है शांति। जो धर्मात्मा होता है उसके जीवन में शांति होती है, वो अशांत नहीं होता, वो व्याकुल नहीं होता, वो व्यग्र नहीं होता, वो शांत चित्त होता है। धर्म की पांचवी पत्नी का नाम है तुष्टि। जो धर्मात्मा होता है वो संतुष्ट रहता है, उसके जीवन में असंतोष नहीं होता। धर्म की छठी पत्नी का नाम है पुष्टि। जो धर्मात्मा होता है वो पुष्ट होता है, उसे कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होती, धर्म ही उसका पोषण करता रहता है। धर्म की एक पत्नी का नाम है क्रिया। धर्म की पत्नी का नाम है क्रिया। जो धर्मात्मा व्यक्ति होगा वो क्रियाशील होगा, आलसी व्यक्ति कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता। जो क्रियाशील होगा वही व्यक्ति धर्म का आचरण कर सकता है। आलसी व्यक्ति जो 8 बजे तक सोए, 9 बजे तक सोए, फिर उठे, फिर टहले, फिर जाकर के लेट जाए, फिर उठे, तब जाकर के मंजन करे, फिर नहाए, ऐसा करने वाला आलसी प्रमादी व्यक्ति कभी धर्म नहीं कर सकता। क्रियावान जिसके जीवन में क्रिया शक्ति होगी, समय से सारा कार्य करेगा, वही धर्मात्मा होगा, क्योंकि धर्म की पत्नी का नाम क्रिया है।